ओम सनातन जय श्री राम। दर्शकों आपका स्वागत है आपका वही मनपसंद कार्यक्रम भारत की प्रतिभा, जिसके अंतर्गत हम भारत की तमाम प्रतिभाओं को आपके सामने लेकर आते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में आपके साथ रखते हैं। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ में श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज इस समय हैं, और उन्होंने एक ऐसे मठ को जो जीव शीर्ण हालत में पड़ा था उसको जागृत किया है, उस विषय पर भी हम उनसे जानेंगे, उनके संघर्ष के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए मैं महाराज जी से ही कहते हैं, महाराज जी अपने बारे में संक्षेप में पहले परिचय दें ताकि दर्शक समझ सके इस समय हमारे साथ में वो कौन सी प्रतिभा है जिसके बारे में आप जानेंगे। महाराज जी आपका बहुत बहुत G10 टीवी न्यूज के स्टूडियो में स्वागत है, आप दर्शकों को अपना संक्षेप में परिचय दें। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी कर्मचारी और ऑफिसरों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने एक धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम टाइम दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 से ये कौशाम्बी का मठ है, यहाँ पर एक जो है तपस्वी महंत हुआ करते थे। कुछ वर्षों से यहाँ पर कुछ आतताइयों द्वारा डिस्टर्ब किया गया, बहुत ही कब्जा करने का प्रयास किया गया, तो यहाँ की जो महंत है माता जी, उन्होंने हमको बुलाया। एक बाबा जी हमारे भेंट हुए थे मुझे भंडारे में, जो गोरखनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी थे। तो यहाँ पर मतलब आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर तमाम साधु संत और सामाजिक लोग आते जाते हैं, और ये ऐसे अच्छे जगह पर है कि यहाँ पर जो मूर्ति का अनावरण 16 अप्रैल को होना है, राम दरबार राधा कृष्णा चौरसी महाराज जी का मूर्ति का अनावरण होना है, और भंडारा बड़े पैमाने पर लगभग 2000 लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये इस पर्पस से फिर से चालू किया जा रहा है, और जो भी आतताई थे वो सब यहाँ से भाग चुके हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। कि कोई भी साधु संत आवे तो रेलवे स्टेशन पर उतरता है या बस अड्डे पर उतरता है, तो यहाँ अपना प्रसाद ग्रहण कर सकता है, विश्राम कर सकता है, और ये सुविधा दी जाएगी। रही बात जो है सामाजिक कार्यक्रम, हम तो शुरू से सामाजिक समरसता पर काम करते हैं। अभी जो महाकुंभ लगा था प्रयागराज में, उसमें मैं गोरक्ष प्रांत का संयोजक था, और निरंतर बंद पड़े जो मठ है उनको चालू करने का कार्य मेरा है। गरीब लड़कियों को शादी कराने का, भूखों को भोजन कराने का, प्यासों को पानी पिलाने का। मुख्य रूप से इंसान पैदा होता है, अपना पेट भरने के लिए कमाता है, जरूरत पूरी करने के लिए कमाता है, और एक दिन चला जाता है। तो हम तो कहते हैं कि मरो तो इस कदर मरो जो याद करे सभी। पशु पक्षियों की तरह जीना कोई जीना नहीं है, हम लोग मनुष्य शरीर मिली है, तो हम लोग को कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जो इंसान देख करके इंसान की सेवा करे और इंसानियत जिंदा रहे। महाराज जी ने अभी अपना संक्षेप में परिचय और अपनी प्रकल्पों के बारे में बताया। दूसरा हम महाराज जी से जानना चाहेंगे जो ये जीर्णोद्धार का कार्यक्रम है, इसके बाद यहाँ पर किस तरह से आगे की व्यवस्था संचालित होने वाली है, अगर उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में अगर बताना चाहें दर्शकों को। यहाँ पर देखिए बहुत पुराना गौशाला है, और यहाँ गौशाले का भी डेवलपमेंट होगा। अभी यहाँ जो पशुधन अधिकारी उनसे भी बात हुई है, सरकार की तरफ से भी गाय आने वाली है, और तमाम मूर्तियाँ यहाँ पर लगेंगी और सुंदरीकरण का कार्य होगा। और मतलब एक जिस प्रकार एक मंदिर में निरंतर सुबह शाम आरती भजन पूजा भंडारा यहाँ पर चलेगा, ये कार्यक्रम है। और सभी यहाँ जितने भी अगल बगल के हैं या किसी भी राज्य से यहाँ लोग आते हैं उनका स्वागत है, उनको भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाएगी, ठहरने की व्यवस्था की जाएगी, और इंसान और इंसानियत पर लोगों की सेवा की जाएगी। रही बात धर्म की, देखिए धर्म प्रचारक जैसे RSS एक अलग विंग, मैंने काफ़ी दिनों से लिख रहा था एक अलग विंग धर्म प्रचारक का बना, अभी धीरे धीरे उसका भी काम चल रहा है। धर्म प्रचारकों को भी जोड़ा जाएगा यहाँ से, कि जो भी त्यौहार आता है या कोई भी ऐसा जयंती आती है उसका कार्यक्रम यहाँ निरंतर चलता रहेगा, कि जिससे लोगों को पता चल सके कि हमारे महापुरुष कौन थे, हमारे देवी देवता कौन थे, भारत की आज़ादी में, भारत के सनातन धर्म में, भारत के लिए एक सही रूप में कार्य करने वाले कौन कौन महापुरुष थे, उनकी निरंतर जयंतियां और पुण्यतिथि कार्यक्रम में चलता रहेगा।
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये केवल यहाँ के मटका ही जीर्णोद्धार नहीं, बल्कि आप एक सनातन संस्कृति में भी जो चीज़ें हैं जिनको ठीक होना चाहिए उसको भी व्यवस्थित करने का कार्य इस मठ के माध्यम से करने वाले हैं। जी जी, अभी आप छतरपुर, इतना बड़ा मंदिर है छतरपुर मंदिर, आप लोग जानते होंगे बाबा नागपाल जी का, बाबा नागपाल जी के बाद वहाँ सखी बाबा हैं जी, मिलिएगा जा करके, उनसे पूछिएगा कि श्याम सुंदर दास जी आए थे, उनको बहुत प्रॉब्लम थी, मैं वहाँ पहुँचा और मजिस्ट्रेट वगैरह सबको बुला करके और वहाँ अधिकारियों से मिल करके उनकी व्यवस्था रेडी किया, क्योंकि वहाँ पर जो कोई डॉक्टर हार्ट स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर बत्रा कौन थे, वो 3-5 करके वहाँ डिस्टर्ब कर रहे थे, उनको ठीक कर दिया गया और आज सखी बाबा जी इस कार्यक्रम में आएंगे। तो ये पहला कार्य नहीं है मेरा, मेरा कार्य है जो भी बंद पड़े धार्मिक स्थल उनको चालू कराना। ये संपूर्ण भारत में आपकी ये प्रक्रिया चल रही है? एकदम चल रही है, और हम लोग धार्मिक मठों को चालू कराने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यता परेशान होती है, पराजित नहीं होती है। दूसरी बात, जो कुछ शासन प्रशासन के गुलाम लोग हैं उनसे हम लोग को कोई भय या वो नहीं है, हम लोग संविधान को और धर्म को मानने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी महाराज जी। अगर कुछ और आप दर्शकों को बताना चाहें, तो गणेश जी सोनिया विदा लेने का इशारा कर रही हैं, आप कुछ खास बताना चाहें संदेश दे सकते हैं? खास क्या, इंसान वही जो इंसान के काम आवे, कोई भूखे ना सोए, और शिक्षा सभी लोग को, गरीबों को जो शिक्षित बनना चाहते हैं उनका सहयोग करें, जो बीमार हैं हम तो निरंतर कोई भी ऑपरेशन हो, कोई गरीब हो उसकी इलाज के लिए भी धन आवंटन करा के वो करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है इंसान इंसान के काम आवे, उसमें ही सबसे बड़ा धर्म। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे, चर्चा हमारी हो रही थी श्याम सुंदर दास जी महाराज जी से, जिनको लोग खूंटा के नाम से भी जानते हैं, आपको एक नाम उपाधि भी दी है, और जहाँ भी वो जाते हैं और जहाँ अपना अंगद की तरह पांव लगा देते हैं, वहाँ जैसे कहते हैं गांव में खूंटा जहाँ गाड़ दिया भैंस सवारी यही बनेगी। तो कोई आदिता ही कहीं भी गड़बड़ किसी भी मठ मंदिर प्रतिष्ठान को अगर कर रहा है, तो इस समय जो भी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं आप उसे नोट कीजिए और महाराज जी से संपर्क करिए, आपकी कोई समस्या है उसका निदान पाइए। अभी महाराज जी कुछ और बताएंगे, एक बार सुनिए ध्यान से। जैसे यहाँ पर अभी राम दरबार मूर्ति का अनावरण है, राधा कृष्णा जी का है, और एक बहुत ही अद्भुत मूर्ति जो संपूर्ण विश्व में पहली बार लगाई जा रही है। आप सभी लोग जानते होंगे कि नाग पंचमी महापर्व पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसके एक ऋषि हैं पूज्य चौरसी महाराज, उनकी मूर्ति का अनावरण यहाँ हो रहा है। उनके दर्शन मात्र से काल सर्प योग जो कुंडली में होता है, जो अल्प मृत्यु हो जाती है लोगों की, उनके दर्शन मात्र से वो ग्रह कट जाता है, काल सर्प दोष का जो खत्म हो जाता है, निवारण हो जाता है। हाँ, तो नागवंश भारत का इतिहास आप लोग जानते होंगे, शेष नाग के फन पर ये पृथ्वी है। बिल्कुल, तो चौरसी महाराज जी का ये पहली बेर, पूरे विश्व पहली बेर मूर्ति लगने जा रही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जानकारी थी महाराज जी ने, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आते रहिए हमारे को, हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को इसी तरह से आशीर्वाद देते रहिए। दर्शकों, फिर मिलेंगे, आप जो घड़ी की सोचा इशारा कर रही है आपसे विदा लेने की, कल फिर इसी समय इसी चैनल पर G10 न्यूज़ पर आपके साथ फिर होंगे एक नई प्रतिभा के साथ और उनके क्रियाकलापों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, ओम सनातन।